सो हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे फैंस कार्ड। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेब्लड बस्ट राइज के डबिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं बेब्लड बस्ट राइज के डबिंग एंड कुछ और चीज़ों के बारे में। सो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना एंड चलो आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं बेब्लड बस्ट राइज के वॉइस एक्टर्स के बारे में। तो कौन कौन से वॉइस एक्टर्स डब करने वाले हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्ट आउवी के बारे में। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि वॉल्ट आउवी को कौन डब करने वाला है, साहिल हैरी सर या फिर अंशुल सक्सेना सर। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के बाद मुझे पता चल चुका है कि कौन डब करने वाला है। ना ही अंशुल सक्सेना सर डब करने वाले हैं वॉल्ट आउवी को एंड ना ही साहिल हैरी सर। वॉल्ट आउवी को डब करने वाले हैं हरीश मोली सर। तो ये हमें ऑफिशियली बता दिया है मोहित सिन्हा सर ने, हमारे जो एनिमे वेक्टर है उन्होंने मोहित सिन्हा सर से पूछा था कि कौन डब करने वाला है वॉल्ट आउवी को। तो मोहित सिन्हा सर ने यहाँ पे आंसर हमें बता दिया था। तो क्रेडिट गोज़ टू एनिमे वेक्टर, उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वॉल्ट आउवी को कौन डब करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आइगर के बारे में। तो आइगर को जैसे बेब्लड बस्ट टर्बो में मोहित सिन्हा सर ने डब किया था, वैसे ही इस सीज़न में भी यानी कि बेब्लड बस्ट राइज में भी मोहित सिन्हा सर ही डब करने वाले हैं आइगर को। उसी के साथ एक और कैरेक्टर था बेब्लड बस्ट राइज में जो कि एक एटीट्यूड ब्लेडर था जिसका नाम था डेल्टा। तो डेल्टा को भी मोहित सिन्हा सर ही डब करने वाले हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि यार मोहित सिन्हा सर इस बार दो दो कैरेक्टर्स को डब करने वाले हैं, वो भी एक ही सीजन में। एंड गाइज आप लोग मोहित सिन्हा सर एंड हरीश मोली सर का इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो जाके दोनों को जल्दी से फॉलो कर लेना इंस्टा पे। तो अब हम बात करते हैं बेब्लड बस्ट राइज के रिलीज डेट के बारे में। तो अभी जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर बहुत ही छा चुका है पूरे कार्टून नेटवर्क पे एंड पूरे एनिमे कम्युनिटी में एंड उसे बहुत ख़तरनाक सी टीआरपी मिल चुकी है। एंड ये खुद हमें कार्टून नेटवर्क बता रहे हैं, सारी वॉइस एक्टर्स बता रहे एंड यूट्यूबर्स भी बता रहे, तो इसका मतलब है कि ड्रैगन बॉल सुपर हिट हो चुका है। बट अभी हमें रुकना नहीं है, हमें कार्टून नेटवर्क को और टीआरपी देनी है जिससे कार्टून नेटवर्क हमें और एनिमेज दिखाए। तो और एपिसोड्स भी हमें देखने हैं। वैसे अभी तक तो सिर्फ 27 या 28 एपिसोड टेलीकास्ट किए हैं कार्टून नेटवर्क ने, तो अभी हमें और टीआरपी देनी है। तो यार सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही ड्रैगन बॉल सुपर को। ऐसा लगता है कि बेब्लड बस्ट राइज को कम टीआरपी मिल सकती है, बट अगर ऐसा हो कि जिस टाइम पे ड्रैगन बॉल सुपर नहीं आता टीवी पे, उस टाइम पे अगर डिज्नी इंडिया बेब्लड बस्ट राइज को टेलीकास्ट करे तो उसे भी टीआरपी अच्छी आ सकती है। बट अगर ड्रैगन बॉल सुपर जिस टाइम पे आता है उसी टाइम पे अगर उन्होंने बेब्लड बस्ट राइज को टेलीकास्ट किया तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि टीआरपी बेब्लड बस्ट राइज को बहुत ही ज़्यादा कम आने वाली। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेब्लड बस्ट राइज की टाइमिंग ऐसी हो जहाँ पे कोई भी ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होता, मतलब उस टाइम के आसपास भी ड्रैगन बॉल सुपर नहीं आता, जिससे मतलब बेब्लड बस्ट राइज हमें देखने को भी मिल सकता है, कार्टून नेटवर्क को अच्छी टीआरपी मिलेगी, हमें ड्रैगन बॉल सुपर भी देखने को मिल सकता है एंड डिज्नी इंडिया को भी अच्छी टीआरपी मिलेगी एंड हमें बेब्लड बस्ट राइज भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें दोनों भी देखने को मिलेगा एंड दोनों का ही फ़ायदा हो जाएगा। एंड यार बहुत लोग पायरेट करके देख रहे हैं एपिसोड्स, तो प्लीज़ यार पायरेट करके मत देखो। बहुत लोग बेब्लेड के एपिसोड्स पायरेट करके देख रहे हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि बेब्लेड का सीज़न 4 ऑनलाइन कैसे देखे, ड्रैगन बॉल सुपर ऑनलाइन कहाँ से देखे, कौन सी वेबसाइट है ऐसा वगैरह, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं। तो यार बिल्कुल भी ऐसा मत करो यार, टीवी पे देखो यार ड्रैगन बॉल सुपर एंड जब बेब्लेड बस्ट राइज आ जाएगा तब बेब्लेड बस्ट राइज को भी टीवी पे ही देखना है। यार पायरेट क्यों कर रहे हो? तो प्लीज़ गाइज ऐसे मैसेजेस मत करो एंड प्लीज़ टीवी पे ही देखो ड्रैगन बॉल सुपर को एंड जब बेब्लेड बस्ट राइज आएगा तो उसको भी टीवी पे ही देखो। तो यार अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जल्द ही राइज भी आ जाएगा टीवी पे, तब तक यार तुम लोग योकाई वॉच एंड इसे ड्रैगन बॉल सुपर को एंजॉय करो यार। एंड मिराकुलस का सीज़न 4 भी है ना, तो इन सबको एंजॉय करो। बाद में पोकेमोन का सीज़न 16 भी आएगा एंड बेब्लड बस्ट राइज भी आएगा, तो तब हम उनको एंजॉय करेंगे।
तो यार वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी पसंद आएगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो एंड कमेंट में अपने ओपिनियंस भी बता देना। तो यार मिलता हूँ किसी और ब्रांड न्यू वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।